उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के नेता और उसके बेटे की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या गांव में बन रही एक सड़क को लेकर हुई विवाद पर की गई। हत्या की इस वारदात पर लाइव वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ। आरोपी हमला करने के बाद फरार हो गए। मामला संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गाँव समसोई में सड़क को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सपा नेता की पत्नी ग्राम प्रधान है। गांव में एक सड़क बनाने का काम चल रहा है जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे थे। ये विवाद इतना बढ़ गया कि बंदूकें निकल आई। इस दौरान मौके पर मौजूद सपा नेता छोटे लाल दिवाकर और उसके बेटे को गोली मार दी गई। आरोपी जब फायरिंग कर रहे थे तो उस वक्त वहां काफी लोग मौजूद थे। लोगों ने इस घटना का वीडियो मोबाइल में शूट कर लिया। इस वीडियो में आरोपी गोली मारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन हत्या के मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सपा नेता छोटेलाल विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रहे। पत्नी फिलहाल ग्राम प्रधान है। इस घटना के बाद इलाके की राजनीति गर्मा गई है। मौके पर जिला के आला अधिकारी भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सपा नेता के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना दी गई पर देर से मौके पर पहुंची। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल देखते हुए PSC तैनात की गई है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।